Hello, Moise Momla. That's our Hornbill TV Roundup News. Assam Nagaland border itaga Merapani Mariani Bihubar idu jaga khande bishi alag alag criminal case thana khande register hui thage niga ekta incident de Koima South police station de register hui thaga ekta gari chor hua bearing registration number NL01P0351 kuina popular bakery laga nam te registration thaga gari ta gari Assam Nagaland police la combined operation de recover she Itawi Assam Nagaland border di thaga Merapani thana di bishi unidentified vehicle ase aru ita Golaghat laga Merapani police pra manukhan kun kun laga gari haragina thakise edu khan ge thana de khobor kurule appeal kuse ita Hornbill TV report Deep Saika Merapani thana de se edu details janule sabo I will do ground zero report गोलाघाट जिले की मेरापानी थाना में जो कि असम नागालैंड बॉर्डर में है ये जो गाड़ी देख रहे हैं थाना के सामने बहुत सारे मोटरसाइकिल बोलेरो अल्टो ये सब किसी ना किसी रिलेटेड कोई चोरी का है और मेरे साथ अभी वो उत्पल दत्त जी मौजूद है कैसे ये आपने अंजाम दी जिससे कि आपकी लाइफ को भी बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसे क्रिमिनल के हाथ से चोरी का गाड़ी पकड़ना या जो भी हो आप लोग पुलिस को बहुत ऐसा सिक्योरिटी का बात आता है तो उसी को आप मद्देनजर रखते हुए आपने कैसे ये सक्सेस तो ये हुआ था मतलब ये जो गाड़ी है हम लोग पेट्रोलिंग में था एक सोर्स का इन्फॉर्मेशन मिला जो ऐसा ऐसा गाड़ी ऐसे घूम रहा है तो ऑन हम सस्पिशन में हम लोग चला गया जब हम लोग गया गाड़ी को पकड़ने के लिए मेरापानी टाउन में वो लोग भागा वो दिमापुर नागालैंड साइड में भागा था लेकिन उन लोग को हम पकड़ने के लिए पकड़ सका उसको पकड़ने के बाद क्या हुआ जो गाड़ी को जब चेक किया उसका जो लॉक टूटा हुआ था उसका गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स नहीं था चाबी भी नहीं था उसके बाद उन लोगों को जब पूछताछ किया तीन आदमी मिला एक आशीष रॉय बोल के एक नागा उखा कोहिमा का भी एक आदमी है और यहाँ का एक लोकल भी है वो तीन लोगों ने क्या किया कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके वहाँ से चोरी करके लाया यहाँ में मेरापानी में किसी को बेचने वाला था और जो उन लोगों का सहयोगी था एक मेरापानी का आदमी उसको भी हम पकड़ा और चारों मिल के उन लोग मतलब कोई कस्टमर ढूंढने के टाइम में ही मतलब बेचने के लिए हाँ तो उसी टाइम में हम लोगों ने पकड़ के यहाँ पे लाया नागालैंड से भी वेरीफाई किया कोहिमा से भी वेरीफाई किया पुलिस से बात किया ओनर से बात किया वो लोगों ने कंफर्म किया हाँ ये चोरी हुआ था ऐसा क्या होता है ये बॉर्डर इलाका नागालैंड भी आस पास है तो यहाँ पे ऐसा होता है मेरे जब यहाँ पे ज्वाइन किया सुनने में आता था कि ऐसा ऐसा कोई गाड़ी उस साइड में जाता है तो इसी हिसाब से हम लोग पेट्रोलिंग भी बहुत टाइट किया हम लोग जो हम लोग का सोर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग किया मेरे आने के बाद अभी एक पल्सर है एक स्कूटी है और एक ये बहुत सारे बाइक हाँ बाइक भी है गाड़ी भी है एक ऑल्टो भी है तो इन लोगों का मतलब कोई ऑथेंटिक ये नहीं मिल रहा है बहुत सारे गाड़ी ऐसे पड़े हुए हैं जो कि दाखिल है एफआईआर दर्ज है लेकिन अभी तक कोई वैलिड ओनर नहीं मिल रहा है अगर किसी का गाड़ी चोरी हुआ है कहीं पे केस दिया हुआ है तो कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस बीच में ही आप लोग का प्यारा गाड़ी हो सकता है मैं हॉर्नबिल टीवी रिपोर्टर दीप सैकिया इसके बाद भी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हॉर्नबिल टीवी के साथ